बलरामपुर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह में समूह के एक सदस्य के द्वारा पूर्व समूह के अध्यक्ष सचिव को बगैर सूचना दिए फर्जी तरह से अलग अध्यक्ष सचिव बनाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं स्कूल मध्यान्ह भोजन संचालित किया जा रहा है। मामले पर समूह के पुराने सदस्यों ने बलरामपुर कलेक्टर से लिखित आवेदन देकर शिकायत कर फर्जी अध्यक्ष सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा मामला जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के पीपरपान ग्राम पंचायत का है, जहां 8 साल पहले बिहान योजना के तहत एक फुलवा महिला स्वयं सहायता समूह बनाया गया था, जिसमें 11 महिलाएं थी। इसी बीच समूह के एक सदस्य देवंती यादव फर्जी समूह बनाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान और मध्यान्ह भोजन संचालित कर रही है। मामले में समूह की पूर्व सचिव सरिता ने कहा कि देवती यादव फर्जी अध्यक्ष और सचिव बन गई है, जिसके वजह से हमें लाभ मिलना बंद हो गया है, जिससे परेशान होकर आज समूह के बाकी सदस्यों ने मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। और हम लोग से लूट के वो बन गया है सचिव अध्यक्ष और हम लोग के कुछ लाभ नहीं देती है वो, और ये सोच रहे हैं हम लोग की मंजरी और सीता सचिव है अध्यक्ष है वही लोग चलाएंगे। कैसे लूट लिए उन लोग? उन लोग लूट लिए, घर में हो गए अकेले, हम लोग के पास रजिस्टर भी छीन के ले गया और पास भी छीन के ले गया। हम लोग तो चलाना है, हम लोग की ये रहेगा मजरी रहेगा और सीता रहेगा सचिव अध्यक्ष। हमारे नाम है सीता दीदी, हमारे गांव का नाम है पीपरपान गुवादा, हमारे समूह का नाम है फुलवा महिला समूह स्वयं सहायता, उसमें मैं सचिव हूँ, बिहान योजना से जुड़ी हूँ। हम लोग की ये समस्या है कि हम लोग पहले से सचिव अध्यक्ष थे, 8 साल पहले से हम लोग समूह चला रहे थे। इसमें एगो पुस्तक लिख रही थी, वो ले गई पासबुक अपने से और रजिस्टर भी और पुस्तक भी उसी के पास रहती थी, वो फर्जी करा के सचिव अध्यक्ष घरे घर पर बन गए हैं सासे बहू मिल के, और एक घर में बन गए हैं। और हम लोग सचिव अध्यक्ष पहले से थे और अभी भी रहना चाह रहे हैं। 8 साल हो गया, हम लोग अपना समूह नहीं खोया चाह रहे हैं।